दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ का पेज नंबर 7 से कुछ आगे तक। यहाँ पर पहले ही हम पेज नंबर 1 से 6 तक साइंस पढ़ चुके हैं। ये बुक्स रीडिंग का पार्ट 2 है। इसी तरह हम चलते जाएंगे और पूरी बुक आप पढ़ चुकेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बुक नहीं पढ़ते, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप मेरे साथ बुक पढ़ सकें। चलिए पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप अध्याय 3 तथा 4 में अध्ययन करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो आबंधों के टूटने एवं जुड़ने से ही होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं संयोजन अभिक्रिया का कुछ क्रियाकलाप दिया है। 1.4, एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लीजिए। इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए। अब बीकर को स्पर्श कीजिए, जैसा चित्र 1.3 में दिया गया है। क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। आप देखेंगे कि जो पात्र होता है वो गर्म होने लगता है। आप जब अपने बुज़ुर्गों को देखेंगे बूझा हुआ चूना बनाते समय, यानी जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसको ले आते हैं और पानी के साथ मिला देते हैं और चूना को बुझाते हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऊष्मा होती है वो बहुत तेज़ी से निकलती है, एक प्रकार से धुआँ उठने लगता है या पात्र जो होता है वो बहुत तेज़ी से गर्म हो जाता है। आप देखना कभी जब बुज़ुर्ग लोग चूना बुझाते हैं अपने खाने के लिए तो वो वही होता है। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O यानी जल, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है प्लस ऊष्मा निकलती है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, देखिए दो पदार्थ हैं, इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह आप कह सकते हैं। इसी तरह विपरीत हो जाएगा योजना अभिक्रिया। आगे पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना लेता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट ही है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है, जब हम चूने से पोताई करते हैं तो उस समय चमक नहीं आती है, लेकिन हम देखेंगे कि 2-3 दिन बाद जो घर होता है वो बहुत तेज़ी से चमकने लगता है। तो यही अभिक्रिया हो जाती है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रकार से बन जाता है, जो कि यहाँ पर संगमरमर का भी सूत्र है, यानी एक प्रकार से संगमरमर ही आप कह सकते हैं। तो देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस है। जब दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में मौजूद होती है उससे अभिक्रिया करता है ये, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और जल बना लेता है। तो यहाँ पर ये आप कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण पर चर्चा करें। पहला, कोयले का दहन। जब दोस्तों यहाँ पर कोयले का दहन किया जाता है, यानी माइन एक जो होता है कोल माइन, देख सकते हैं C+O2 यानी कार्बन है प्लस O2 तो CO2 बन जाता है। यानी जब कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जब कैल्शियम ऑक्साइड के जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जिससे यहाँ पर दीवारों में चमक उत्पन्न हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दीवारों में चमक किस कारण उत्पन्न हो जाती है, तो आप आसानी से लिख देंगे कि दीवारों में चमक इसलिए उत्पन्न हो जाता है क्योंकि हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर लेता है जिससे वो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जिसके कारण उसमें चमक उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह करेंगे। चलिए अगले पेज में चलते हैं। तो पेज नंबर यहाँ पर हो गया है 8। अब देखिए दूसरे में क्या दिया गया है। जब हाइड्रोजन यानी H2 तथा ऑक्सीजन यानी O2 से जल का निर्माण होता है, आप कह सकते हैं हाइड्रोजन यहाँ पर और यहाँ पर ऑक्सीजन डाई, ठीक है, यानी दो हैं तो यहाँ पर डाई लगा देंगे। देखिए हाइड्रोजन और जब O2 का अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर H2O बनता है, जल बनता है, H2 प्लस O2
H2O। और यहाँ पर दोस्तों ये दो दो लगाया गया है, दो ये संतुलित करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए संयोजन अभिक्रिया जो होती है वो वियोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत होती है। देख सकते हैं क्या बोला जा रहा है, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्रियाकलाप 1.4 में हमने यह भी देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई, इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, तो ऐसी अभिक्रियाएँ जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ कहलाती हैं, ये आप बोल सकते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण पूछा जाए तो ये आप लिख सकते हैं, प्राकृतिक गैस का दहन जब होता है तो प्राकृतिक गैस का दहन यानी प्राकृतिक गैस CH4 जो होती है, मेथेन इसको बोला जाता है, जो कि गोबर ओबर के सड़ने से उत्पन्न होती है जिसको बायोगैस भी बोला जाता है। तो मेथेन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है CH4+O2, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है प्लस ऊर्जा भी निकलती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं, हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग भी होती हैं। दूसरा यहाँ पर है, क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? जी हाँ बिल्कुल जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे अंदर हम भोजन खाते हैं उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है और ऊष्मा बाहर आ जाती है, जिस ऊर्जा के कारण दोस्तों ऊष्मा आप कह सकते हैं या ऊर्जा कह सकते हैं, जिस ऊर्जा के कारण हमें कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है। तो यहाँ पर बिल्कुल हमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया प्राप्त होती है जब हमारे श्वसन हमारे अंदर होता है। हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल आलू ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है, यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन होता है। तो आप बोल सकते हैं कि श्वसन किसे कहते हैं, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं कि जब हम भोजन करते हैं और उसमें चावल आलू और ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है और यही कार्बोहाइड्रेट जब ग्लूकोज के रूप में टूट जाता है तो यहाँ पर श्वसन होता है, यानी और जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है, इस अभिक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। इस तरह आप आसानी से अपने से शब्द बना सकते हैं, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। अब देखिए C6H12O6, इसको ग्लूकोज बोला जाता है, ये ग्लूकोज का सूत्र है तो आपको याद रखना है C6H12O6। अब देखिए प्लस O2 यानी ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन ही तो लेते हैं, इसी तरह यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है वो भी हमें भोजन से जो हम करते हैं टूट टूट कर प्राप्त होता है। दोनों जब मिलते हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हमारे द्वारा बाहर निकाल दी होती है और यहाँ पर जो जल होता है वो हमारे मूत्र द्वारा या पसीना द्वारा कुछ मतलब जो उत्सर्जन अंग होते हैं उनके द्वारा निकाल दिया जाता है और यहाँ पर जो ऊर्जा होती है वहाँ पर ये हमें शरीर में मिल जाती है और हमें कार्य करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। अब देखिए तीसरा है, साग सब्जियों यानी वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। आप देख सकते हैं क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए जिसमें एकल उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो वहाँ पर संयोजन अभिक्रिया होगी जब एकल उत्पाद उत्पन्न होता है। अब देखिए ये प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है, गैस को धीमे से अपनी नाक की ओर मोड़ दीजिए, जो गैस होती है उसको धीरे से मोड़ दीजिए। देखिए सबसे पहले क्या है 1.22, ठीक है, अब देखिए गैस को जब मोड़ दिए, क्वथन नली के खुले सिरे को अपने पड़ोसी या अपने ओर ना करें, देख सकते हैं क्वथन नली फेरस सल्फेट क्रिस्टल है। अब देखिए फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली प्रखंडली को गर्म करने तथा गंध सूंघने की सही विधि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। देखिए क्वथन नली को बर्नर या स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए, जैसा चित्र में दिखाया गया, गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल अपने रंग में परिवर्तन हुआ है, सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। यहाँ पर देखिए फेरस सल्फेट जो है Fe4 बोला जाता है, अब इसका निर्माण कैसे हुआ इसको भी बता देता हूँ। देखिए Fe का जो होता है,
या फिर यानी आयरन जो होता है उसका चार्ज आप कह सकते हैं या वैलेंसी संयोजकता कह सकते हैं प्लस टू होता है। इसका एक और होता है, तीन भी होता है प्लस थ्री, लेकिन और इसका जो होता है SO4 का वो माइनस टू होता है, तो जिससे ये दोनों कट जाते हैं आपस में और ये बन जाता है FeSO4 यानी फेरस सल्फेट बन जाता है। तो ये आप बोल सकते हैं अब Fe2O3 बन गया यानी फेरिक ऑक्साइड बन गया। अब Fe2O3 क्यों बना, अभी मैंने जो बताया कि Fe के दो आवेश होते हैं, तो यहाँ पर Fe3 वाला आवेश यहाँ पर लग जाता है जब यहाँ पर अभिक्रिया होती है। तो Fe का जब हम प्लस ऑक्सीजन से अभिक्रिया ये कर लेता है तो इसका तीन आवेश होता है, इसका दो होता है माइनस दो और इसका प्लस तीन, तो ये बन जाता है Fe2O3 क्योंकि यहाँ पर ये वाला इधर आ जाता है, ये वाला इधर चला जाता है, तो इसी तरह ये बन जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाती है। अब देखिए फेरस सल्फेट को जब हम ऊष्मा देते हैं तो फेरस ऑक्साइड बनती है यानी फेरिक ऑक्साइड, और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बन जाते हैं। तो ये अभिक्रिया आप याद रखिए, आपसे पूछा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है या एक वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट यानी FeSO4 इंटू सेवन एच टू ओ का क्रिस्टल जल त्याग देता है। ये क्रिस्टल के रूप में मौजूद है और ये जल है जो कि गर्म करने पर ये जल हट जाता है। आप जानते होंगे कि जब हम गर्म करते हैं किसी भी चीज़ को तो उसमें से जल हट जाता है, जैसे चारे को गर्म करते हैं तो धुआं के रूप में जल निकल जाता है, तो इसी तरह ये भी होता है। देखिए अब FeSO4 इंटू सेवन एच टू ओ का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3 में वियोजित हो जाता है या विघटित हो जाता है या टूट जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि SO2 तथा SO3 गैसें हैं, तो इस तरह आप कह सकते हैं। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोग में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। आप देख सकते हैं जब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दी जाती है तो यह पुनः कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। और यहाँ पर आप देखे होंगे इसके जस्ट विपरीत यहाँ पर आपने क्या देखा है, मैं आपको बताता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO प्लस जब हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये कैल्शियम CaOH का ट्वाइस बना लेता है, ठीक है OH का ट्वाइस बना लेता है, और इसी को जब हम फिर से CO2 के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो ये बन जाता है CaCO3, और फिर जब इसी हम CaCO3 को ऊष्मा दे देते हैं गर्म कर देते हैं तो ये पुनः हमारे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस और यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्राप्त हो जाता है। पूरी वही अभिक्रिया ये वाली हो जाती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से रासायनिक अभिक्रियाएँ कार्य करती हैं। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण क्रियाकलाप 1.6 में दिया गया है। आप देख सकते हैं क्रियाकलाप 1.6, एक क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए। चिमटे से लेड नाइट्रेट, देखिए PbNO3 का ट्वाइस आप कह सकते हैं लेड नाइट्रेट के, ठीक है। तो एक क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए। चिमटे से क्वथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म कर लीजिए, जैसा चित्र 1.5 में दिया गया है। इसमें जो है दिया गया आप देख सकते हैं। अब देखिए आपने क्या देखा, यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे नोट कर लीजिए। अब देखिए कौन सा परिवर्तन हुआ है, देखिए यहाँ पर परख नली पकड़े वाला चिमटा, ठीक है, और यहाँ पर क्वथन नली हो गई, लेड नाइट्रेट यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर बर्नर यानी एक प्रकार से आग जलाने वाला लगा हुआ है। आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है यानी NO2 गैस होती है। अब देखिए यहाँ पर यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है, देखिए PbNO3 का ट्वाइस मैंने पहले भी बताया, अब ये कैसे बना, सबसे पहले आपको चार्ज याद कर लेना है। PbNO3 का ट्वाइस इसलिए बना, देख सकते हैं जो Pb का आवेश होता है वो प्लस टू होता है और जो NO3 का होता है वो माइनस वन होता है। तो आप देख सकते हैं कि आसानी से जब PbNO3 बनेगा तो ये वाला इधर आ जाएगा वन, तो वन को हम लिखते नहीं हैं और Pb और NO3 लिख देंगे, और यहाँ पर ट्वाइस इसलिए लिख देंगे क्योंकि इसका दो आवेश है। तो इस तरह ये PbNO3 का ट्वाइस बन गया, यानी यहाँ पर आप बोल सकते हैं पम्बलम नाइट्रेट या बोल सकते हैं लेड नाइट्रेट, क्योंकि जो लेड होता है उसको पम्बलम बोल जाता है, पम्बलम पम्बलिक इस तरह, ठीक है।
अब देखिए जब PbNO3 को हम गर्म करते हैं, PbNO3 के ट्वाइस को यानी लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं, ये गर्म का चिन्ह होता है, आप इस तरह गर्म का चिन्ह लगा सकते हैं, टू PbO यानी लेड ऑक्साइड के रूप में ये टूट जाता है। अब PbO कैसे बना, क्योंकि Pb का जो आवेश होता है वो प्लस टू और ऑक्सीजन का -2, तो टू टू कट जाते हैं, PbO बन जाते हैं यानी लेड नाइट ऑक्साइड बन जाता है, और यहाँ पर 4 यानी O2 बन जाते हैं, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बन जाता है और O2 बन जाता है, ऑक्सीजन बन जाता है। और ये देखिए जो 4 लगा हुआ है ये संतुलित करने के लिए लगा हुआ है ये दोनों सब, ठीक है, मैंने पहले भी आपको बता दिया था। आप पहली वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए Part 1, जिसमें हम बुक्स रीडिंग Part 1 कर चुके हैं, Page 1 से 6 तक। आगे बढ़ते हैं, क्रियाकलाप 1.7, एक प्लास्टिक का मग लीजिए, इसकी तली में 2 छिद्र करके उसमें रबर का डॉट लगा दीजिए, इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए जैसा कि चित्र में दिया गया या दिखाया गया है, इन इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए, मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाएं, जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दीजिए, जल से भरी 2 असंकित परख नलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा करके रख दीजिए, अब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अब विद्युत धारा देखिए जब प्रवाहित कर दिए और छोड़ दिए, दोनों इलेक्ट्रोडों पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे, ये बुलबुले असंकित नली से जल को विस्थापित कर देते हैं। अब देखिए आगे है, क्या दोनों परख नलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान है, जब दोनों परख नलियों नलियां गैस से भर जाएं तब उन्हें सावधानीपूर्वक हटा लीजिए, एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों परख नलियों के मुंह के ऊपर लाकर इन गैसों की जांच कीजिए, सावधानी इस चरण को शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए, दोनों स्थितियों में क्या होता है, दोनों परख नलियों में कौन सी गैस उपस्थित होती है। तो हम एक प्रकार से आपको बता दें कि आपके शिक्षक तो करवाएंगे नहीं, क्योंकि कहीं भी प्रयोगशाला नहीं बना हुआ है ज़्यादा और कोई करवाता नहीं है, बस परिभाषा रटाया जाता है, तो आप रटने की कोशिश ना करें, नंबर कमाएंगे आएंगे लेकिन आपका भविष्य बर्बाद नहीं होगा, कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ें और पढ़कर जो आता है उसको करें, ना कि रट कर। ऑक्सीजन ये पूरा आप कर सकते हैं, टाइम लगेगा, तो चलिए देखते हैं आगे 1.8 में क्या दिया गया है, चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए, अब सिल्वर क्लोराइड AgCl जो है लीजिए, इसका रंग क्या है, इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए, थोड़ी देर पश्चात सिल्वर क्लोराइड के रंग को देखिए, अब आप क्या देखेंगे, देख सकते हैं ये इस तरह जो सिल्वर क्लोराइड है और जो चाइना डिश है उसमें रख दिए, अब यहाँ पर सूर्य का प्रकाश डाल दिए, अब यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का हमें रंग देखना है। अब देखिए आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड यानी धूसर रंग का हो जाता है, प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा AgCl क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। अब देखिए AgCl दो होता है, मैंने अब AgCl कैसे बना ये तो मैं आपको हर बार बताता हूँ कि Ag जो होता है उसका एक आवेश होता है यानी +1 होता है, और Cl का जो आवेश होता है वो भी -1 होता है, तो ये दोनों जब मिलेंगे तो AgCl बन जाएगा, क्योंकि एक से एक कट जाएगा, एक लिखा नहीं जाता, तो इस तरह आप बोल सकते हैं। अब देखिए जब सूर्य का प्रकाश करते हैं या ऊष्मा देते हैं आप कह सकते हैं, तो 2Ag के रूप में टूट जाता है +Cl2 के रूप में। अब 2Ag ये संतुलित करने के लिए लगाया गया क्योंकि यहाँ पर Cl2 के रूप में हमेशा गैस को लिखी जाती है Cl को, तो यहाँ पर ये अपने हमेशा अणु के रूप में पाई जाती है ना कि परमाणु के रूप में। वो परमाणु क्या होता है, जब एक तत्व तो होता है उसमें परमाणु होते हैं, लेकिन जब दो या देखिए दो परमाणु मिलकर अणु बना लेते हैं, तो देखिए दो परमाणु यहाँ पर मिल गए तो एक अणु हो गया, ठीक है, मॉलिक्यूल हो गया, तो यहाँ पर आइटम तो नहीं है यानी परमाणु तो नहीं है, तो यहाँ पर इसीलिए Cl2 हो गया, इसीलिए संतुलित करने के लिए लगाया गया। आगे बढ़ते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार अभिक्रिया करती है, सिल्वर आयोडाइड सिल्वर ब्रोमाइड, ये सब देखिए ग्रुप वाइज आप तत्वों को याद कर लीजिए, मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, बहुत आसानी से मतलब ट्रिक है याद करने की, डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको मिल जाएगी। अब AgBr देखिए जो है यानी सिल्वर ब्रोमाइड आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लोराइड बोला गया तो यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड, अब इसी तरह सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा सिल्वर, इसी तरह मतलब बोला जाता है। अब देखिए इसको भी हम इसी तरह करते हैं तो इसी तरह टूट जाता है, यानी Ag और Br2 के रूप में पूरे वही अभिक्रिया सेम हो जाती है, बस ये तत्व बदल जाता है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया होती है, क्या आप हमें बता सकते हैं। अब देखिए आगे है, हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, मैंने पहले ही बोला था, और जिन अभिक्रिया में ऊष्मा मतलब देती है ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोला जाता है।
तो देख सकते हैं निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। एक परख नली में लगभग 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, ठीक है। बेरियम जो होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड जब लेंगे, BaOH का ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालकर कांच की छड़ से मिलाइए। अपनी हथेली से परख नली के नीचे सिरे को छूइए। आप कैसा महसूस करते हैं, क्या यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी है? तो ये अभिक्रिया क्या होगी, अगर ऊष्माशोषी होगी तो ठंडी होगी और ऊष्माक्षेपी हो जाएगी तो गर्म हो जाएगी, बस यही अंतर है। इसके बाद हम यहाँ से फिर से पार्ट 3 में स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, हम प्लेलिस्ट बनाए हैं क्लास 10th साइंस NCERT साइंस बुक रीडिंग, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जाकर चेक कर लीजिए। अगर नहीं आता तो बताइए, मुझे सब कुछ बताऊंगा। देखिए यहाँ पर क्या, ये आंसर को हम हल करते हैं। किसी पदार्थ यानी एक्स के विलयन का उपयोगी सफ़ेदी करने के लिए होता है। पहला पदार्थ एक्स का नाम बताइए तथा इसका सूत्र बताइए। अब देखिए जो ये पदार्थ एक्स है, हम सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। अब देखिए ऊपर में लिखे पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। अब देखिए यहाँ पर CaO जो होता है उसका हम जल से अभिक्रिया लिखेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, बस वही तो दिया गया है, सेम जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, वही दिया गया है पूरा, उसको हम जब करते हैं तो यहाँ पर एक पूरा अभिक्रिया सॉल्व हो गई। कैसे, देखिए क्या दिया गया है, किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है, पदार्थ एक्स का नाम, इसका सूत्र लिखिए। अब देखिए बुक पढ़ने से कितना हमें फ़ायदा हुआ कि इसको हम आसानी से सॉल्व कर लिए। पदार्थ एक्स का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए जो सफ़ेदी करने के लिए उपयोग में आता है, क्या आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आता है, तो वही लिख देंगे। अब उसका सूत्र लिख देंगे ऊपर में, अब इसके जल से अभिक्रिया करवाएंगे, जल से अभिक्रिया करा देंगे। देखिए जल से अभिक्रिया तो कैल्शियम ऑक्साइड की कराएंगे क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड नहीं करेगा। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जब यहाँ पर जल से अभिक्रिया करेगा प्लस H2O हो जाएगा तो ये क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो यहाँ पर मैं पूरा आपको समझा देता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिए प्लस ऊष्मा निकलती है, ठीक है, ऊष्मा निकलती है, आप देख लेना लिख लेना। अब देखिए जब ऊष्मा निकली तो अब यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है OH का ट्वाइस होता है, ठीक है, यही हमारा जब OH का ट्वाइस होता है, ये जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, CaCO3 बना लेता है, प्लस जल बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, तो इस तरह आप बोल यहाँ पर सॉरी जल बन जाता है, तो इस तरह आप बोल सकते हैं। तो आसानी से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, आपके पेपर में आएगा तो लिख भी सकते हैं। अब देखिए क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में गैस एकत्रित की गई मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। तो उस गैस का नाम हाइड्रोजन है जो कि H2O से निकलती है जब इसको हम ऊष्मा देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन उससे हल्की होती है।